my friend, Professor D.P. Singhji, Chairman UNED, University Grants Commission, Professor Mustaqe Siddiqui, Vice Chancellor of the University, Dr. Farooq Abdullah, Honorable Member of Parliament, Professor Akhtar Masoodi, Vice Chancellor, Professor Talat Ahmed, Vice Chancellor in the University of Kashmir, Professor Manoj Dhar, Vice Chancellor, University of Jammu, Professor Nasir Iqbal, Registrar, Mayor of the City, Mr. Mattu, dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, members of the Academic Council, Executive Council, ladies and gentlemen, and dear students, I am delighted to join you today on this occasion of the first convocation of Islamic University of Science and Technology. I congratulate the graduating students and the gold medalists present here for their academic performance and the faculty members for shaping the young minds. I would like to wish proud parents and family members many congratulations. I am also overjoyed for our young girls who have outperformed the boys and bagged the maximum gold medals. The first convocation should have been held in 2011, but unfortunately, that did not happen. And many students participating in today's event might be working in some blue chip company or pursuing higher studies. I would like to tell them, your families must be extremely proud of your accomplishment. Dear young friends, convocation marks the end of an intensive period of your journey. Now, the door to a new life is open. A German writer, Hermann Hesse, wrote a beautiful book on Mahatma Buddha, said, and I quote, "In all beginning dwells a magic force for guarding us and helping us to live." And that is why I always believe convocation is not the end, it is the beginning. एक पुरानी कहावत है, हम अपने बच्चों के लिए शायद भविष्य तैयार नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को भविष्य के लिए जरूर तैयार कर सकते हैं। मित्रों, उच्च शिक्षा में जब भी साइंस, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट की बात होती है, तब एक विचार हमेशा मन में आता है कि हमारे लक्ष्य क्या है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तीन चार बातें कहना चाहूंगा। पहला लक्ष्य कि अस्थाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारा देश और यह जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सभी मुल्कों और सभी राज्यों से बेहतर हो और जमीनी स्तर पर इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा सामाजिक आर्थिक जरूरतों को सुनिश्चित किया जा सके और आवाम की जो बेसिक आवश्यकताएं उसकी पूर्ति की जा सके। दूसरा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता बनाना जो वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। नौजवान साथियों, कोरोना वायरस ने एक बड़ी महत्वपूर्ण सीख दी है, जैसा है वैसा हमेशा नहीं रह सकता। और जो नौजवान बच्चे बच्चियां इस साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि कई बार जिसे हम पत्थर की लकीर समझ लेते हैं, वह भी पल भर में मिट सकता है और मिट जाता है। इसलिए आपको अपनी रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को
विचारों को समय के साथ बदलने या कुछ नई कल्पना करने या आविष्कार करने की आदत डालनी चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, कायनात में हर परिवर्तन माइंड से ही शुरू होता है। जब 80 के दशक में मैं स्वयं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी किया था, उस दौर में स्मार्टफोन नहीं होते थे, लेकिन तब भी साइंस और प्रौद्योगिकी के ग्रेजुएट्स के पास जो मौजूदा फैसिलिटीज थी उसके द्वारा कुछ न कुछ नया आविष्कार करने की होड़ लगी रहती थी। आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए करोड़ों अरबों के डेटाबेस को एक मिनट में एग्जामिन कर सकते हैं और कृषि से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आज के मौजूदा दौर में जब हर दिन कम से कम 50 नए इनोवेशन हो रहे हैं, तब यह कहना मुश्किल हो जाता है कि कल कौन सा वैज्ञानिक या तकनीकी एप्लीकेशन रिलीवेंट रहेगा या पुराना हो जाएगा, या फिर कौन सी तकनीक एप्लीकेशन से हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको 5 साल पहले के 10 ऐसे इनोवेशन याद हैं जिन्होंने भविष्य में जिनमें भविष्य के परिवर्तन की क्षमता थी। क्या आपको उन दसों इंजीनियर और वैज्ञानिकों के नाम याद हैं जिन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की थी? क्या आपको उस साइंटिस्ट का नाम याद है जिसने पिछले साल कोविड महामारी के दौरान 5 मिनट वाली कोरोना रैपिड टेस्ट किट बनाई थी? क्या आपको उस साइंटिस्ट का नाम याद है जिसने 3 मिनट वाली कोरोना रैपिड टेस्ट किट बनाई थी? यह दोनों घटनाएं बस 1 महीने के अंदर हुई थी, लेकिन जिस तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, एक के बाद एक इनोवेशन हो रहे हैं, नए को पुराना होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसलिए आपको अब यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर कड़ी स्पर्धा टफ कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा। थियरी बेस्ड उस मानसिकता से निकलना पड़ेगा जिसे हम कॉलेज बबल कहते हैं। फ्रांस वर्थ ने टेलीविजन थियरी पढ़ करके नहीं बनाया था। एक छात्र के रूप में 1923-24 में और फिर रेडियो रिपेयर करने वाले एक मैकेनिक के रूप में उन्होंने संघर्ष किया। जो भी सीमित संसाधन थे उसके जरिए उन्होंने प्रयोग किए, तब जाकर 1930 में फ्रांस वर्थ को टेलीविजन का पेटेंट मिला। सीवी विश्वेश्वरा जिन्होंने पूरा विश्व ब्लैक होल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानता है, उसके बाद की जनरेशन के कितने भौतिक शास्त्री हमें याद हैं, आज विचार करने की आवश्यकता है। भारत रत्न विश्वेश्वरैया जिनके जन्मदिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं, उनके बाद कौन ऐसा इंजीनियर आपको याद आ रहा है जिसके आविष्कार ने उद्योग से लेकर शहरी और ग्रामीण व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाया? क्या यह ह्यूमन कैपिटल तथा इन्वेंशन का जो गैप है, इसके लिए अत्यधिक थियरी पर आधारित इंजीनियरिंग शिक्षा पद्धति जिम्मेदार है? आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं, तो मुझे लगता है कि आज का दिन एक ऐसा अवसर है जिस पर हम सभी को खास तौर से यहाँ मौजूद हमारे सम्माननीय शिक्षकों को विशेष रूप से सोचने की आवश्यकता है। मेरे नौजवान साथियों और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभी कुछ दिन पहले मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग देख रहा था। यह रिपोर्ट विश्व के देशों में अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करती है, जिसमें उद्योग की प्रगति, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी की प्रगति तथा बिजनेस के क्षेत्र में हो रहे रिफॉर्म, इन 3 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है। उस रिपोर्ट में लिखा है, प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास को स्थायी इनोवेशन सिस्टम के माध्यम से ही बरकरार रखा जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यह सिस्टम है क्या? यह सिस्टम इनोवेशन के माध्यम से ज्ञान को धन में परिवर्तित करना है, कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू वेल्थ। कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में इनोवेशन के माध्यम से ही लड़ी जा सकती है, लेकिन क्या हम इसके लिए
पूरी तरह से तैयार हैं, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मित्रों, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में 15,49,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारे देश में ग्रेजुएट हुए थे। मेरे पास जर्मनी का आंकड़ा है 2017 का, वहां 1,29,000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पास हुए थे। इसी तरह जापान में 2019 में 1,68,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कॉलेज से निकले थे। इन दोनों देशों के नंबर को अगर हम मिला लें तो इनकी जो दोनों देशों की मिलाकर क्षमता इंजीनियर पैदा करने की, वो हिंदुस्तान के आसपास भी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों देशों का हिस्सा पूरे विश्व में पेटेंट रजिस्ट्रेशन के मामले में 36% है, जिसमें जापान का हिस्सा 26% और जर्मनी का 10% है। इंडिया विच प्रोड्यूसेस मोर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एवरी ईयर डज नॉट इवन फिगर इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 कंट्रीज वेयर मोस्ट ऑफ द पेटेंट एक्टिविटीज आर हैपनिंग। यही चिंता का विषय है और इसके 4 प्रमुख कारण मैं मानता हूं। मुझे में समझ में आता है कि पहला कारण कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच गहरा और हार्ड डिस्कनेक्ट। ज्यादातर प्रोजेक्ट थियरी पर आधारित होते हैं और जो महत्व प्रैक्टिकल को मिलना चाहिए शायद हम नहीं दे पाते। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वह स्किल गैप। 2019 में 760 इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सर्वे हुआ था जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि इंडस्ट्री की मांग क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और उनके जो मौजूदा स्किल्स हैं उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम जो ह्यूमन कैपिटल तैयार कर रहे हैं और इंडस्ट्री की जो मांग है उसके बीच जो खाई गहरी हो रही है उसे जल्दी से जल्दी हम कैसे भर सकें। तीसरा कारण जो मैं समझ पाता हूं वह लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर है। ज्यादातर संस्थानों में इंडस्ट्री में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से करिकुलम में परिवर्तन या तो नहीं हो रहा है या फिर देर से हो रहा है। और एक समस्या यह भी है कि जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं वो फील्ड में किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे उस पर कम ध्यान दिया जाता है। मुझे लगता है इस पर भी विचार की बजाय कार्रवाई की जरूरत है। चौथा कारण है पढ़ाई के दौरान ही प्रोजेक्ट आधारित अनुभव की कमी। क्या हम कोर्स से अलग हटकर बच्चों को नए इनोवेशन और आविष्कार के लिए प्रेरित कर सकते हैं? क्या हम हजारों की संख्या में जो रिसर्च पेपर्स निकाल रहे हैं उनका प्रैक्टिकल उपयोग कर पा रहे हैं? मुझे प्रसन्नता है इस विश्वविद्यालय ने लोकल क्वार्टर्स के साथ मिलकर के तकनीकी सहायता प्रदान करने का एक नया और अभिनव प्रयोग किया है, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हम इसका कैनवस और बड़ा कर सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इस तकनीकी विश्वविद्यालय ने अनेक क्षेत्रों में नए मानदंड बहुत कम समय में बनाया है। इसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के कुलपति वाइस चांसलर और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। हमें नए आविष्कार के लिए प्रेरित करना है। जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे परिवर्तन को कैसे हमारे विद्यार्थी गति दे सकते हैं, मुझे लगता है इस दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता आज आ पड़ी है। यह सारी बातें मैं समझता हूं बिना किसी विलंब के अब हमें शुरू करने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा चेयरमैन यूजीसी करेंगे, लेकिन पिछले दिनों हमारे यहाँ के कई सम्मानित कुलपतिगण बैठे हैं। आज सुबह भी यहाँ के वाइस चांसलर साहब ने मुझे बताया इन लोगों की आपस में चर्चा हो रही थी, स्टूडेंट और टीचर एक्शन विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक हो गया है। क्या इस यूनिवर्सिटी के बच्चे एक सेमेस्टर दूसरे यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ सकते हैं? अब ये बात करने का नहीं बल्कि करने का समय आ गया है और इस पर मित्रों
यह आविष्कार नई खोज और इनोवेशन है क्या? मैं समझता हूँ यह तकनीकी प्रोफेशनल की क्रिएटिविटी को उनके विचारों के साथ संयोजित करके कुछ नई कल्पना करने की क्षमता है। उनके जो काम है उनमें क्रमिक परिवर्तन और रिसर्च करके समाधानों को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। दो लोग किसी एक समान वस्तु को अलग अलग ढंग से देखते हैं और कुछ अलग अलग करना चाहते हैं। हमारे संस्थानों में ऐसे वातावरण को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की आज आवश्यकता है। क्या आपको याद है जो हेडफोन आप इस्तेमाल करते हैं उसे किस इंजीनियर ने बनाया था? इसके आविष्कार करता बॉल्डविन 1910 में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में काम करते थे। उनके साथ बहुत सारे इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जो आवाज आ रही है उसे अगर कंप्रेस्ड एयर के साथ प्रयोग करके एम्पलीफाई किया जाए तो आवाज ज्यादा सुनाई पड़ेगी। बॉल्डविन ने कुछ अलग देखा और आज हर इंसान उनके आविष्कार का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सवालों को हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह व्यवस्था हमें और आपको मिलकर के बदलनी है। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मैंने पढ़ा था तब मेरे जहन में भावी प्रोफेशनल की जो कल्पना उभरी थी IRC स्टूडेंट यानी इंटेलिजेंट रिफ्लेक्टिव तथा कॉम्पसनेट स्टूडेंट जो सभी क्षेत्रों में विकास का इनोवेशन का इंजन बनकर काम कर सके और उन्हें कैसा प्लेटफॉर्म हमें देना होगा जो उनकी खोज उनकी रिसर्च में अधिक से अधिक सहयोग कर सके। अगर हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से इनोवेशन को यूनिवर्सिटी के स्तर पर प्रोत्साहित करना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में साइंस और मैनेजमेंट के फर्मों अनुसंधान संस्थानों प्रौद्योगिकी प्रदान करने वाली फर्मों तकनीकी सेवाओं वाले नेटवर्क को भी इसके साथ जोड़ सकेंगे। माय यंग फ्रेंड्स एंड टीचर्स द इंटेंसिटी ऑफ सर्च डिसाइड्स द आउटकम इट इज द फायर ऑफ क्वेस्ट दैट डिसाइड्स बर्थ ऑफ ए न्यू इनोवेशन। We cannot produce brilliant inventors if the mind is chained in the syllabus written many years ago and we are forced to follow it blindly. Our primary focus should be creation of individuality and turning the student into a powerful, independent thinking individual. This will provide a solid base, a unique structure for innovative ideas. मैं यह मानता हूँ कि कुछ नया करने के बीच हर स्टूडेंट के अंदर है। उसे सही मिट्टी सही पानी और सही मौसम प्रदान करना यही तो यूनिवर्सिटी और टीचर्स की जिम्मेदारी है ताकि वह बीज पनपे और केवल पनपे नहीं बल्कि फूल की तरह भविष्य में खिल सके। यही विश्वविद्यालय का दायित्व है और वो हमें मिलकर निभाना है। मित्रों जो हमारा नॉलेज बेस है जैसा मैंने पहले जिक्र किया जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है उसका संख्या बल अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़ा है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसे रूपांतरित करने तथा विकसित व्यवस्था में बदलने का बुनियादी कारण इंजीनियरिंग साइंस तथा मैनेजमेंट के प्रोफेशनल स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। अगर नई पीढ़ी का सारा मस्तिष्क हम क्रिएटिव काम में लगा दें तो हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क बनने की ताकत रखते हैं। लेकिन इसके लिए जो ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें निश्चित रूप से हमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप जल्दी से जल्दी बदलाव करने की जरूरत होगी। शिक्षा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन तथा लर्निंग नहीं है। यह बात हम सबको समझना जरूरी है कि शिक्षा का मतलब वास्तव में आविष्कार है। और अगर हम इसके लिए आपको एक नया एक्सपेरिमेंट अगर इसके लिए आप सबको नया एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर करिए। अगर रिस्क लेना पड़े तो मैं निवेदन करूंगा कि जरूर लीजिए। अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में जोखिम नहीं उठा सकते तो कैसे हिंदुस्तान का स्पेस कार्यक्रम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता था? अगर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती तो क्या हम मिसाइल कार्यक्रम को विश्व स्तरीय बना पाते? शायद नहीं। और इसलिए मेरा मानना है कि जो शिक्षा की ताकत है वही परिवर्तन की क्षमता है।
आप जानते हैं कि हम जो एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं उसका आविष्कार कैसे हुआ था, 1902 में विलिस कैरियर नाम का ऐसी आप देखते होंगे, उन्हीं के नाम से वो कैरियर शब्द लिखा जाता है। पिट्सबर्ग स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे, कुहासे की वजह से सुबह की गाड़ी देरी से चल रही थी। एकाएक उनके मन में विचार कौन था कि अगर हवा को पानी के जरिए भेजा जाए, पास कराया जाए, तो जो वातावरण तैयार होगा उसमें मॉइस्चर को कंट्रोल किया जा सकेगा। विलिस ने सिर्फ दिमाग का पर फैलाया था तो देखिए पूरी की पूरी दुनिया में इस क्रांति से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए नौजवान मित्रों, एक बात याद रखिए, आपका जो माइंड है वह कुदरत का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है, और आपको नए जीवन में सिर्फ दो सच्चे दोस्त होंगे, क्यूरियोसिटी तथा थिंकिंग। अगर ये दोस्त हमने बनाए तो जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचने में हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसके जरिए जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे एक्शन में तब्दील करना ये आपकी जिम्मेदारी है। You need to have great dreams and desires, and whatever you create must have real and higher values in life. मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। पुराने जमाने में तमिलनाडु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ 3 छात्र थे। उनका फाइनल एग्जाम खत्म हो गया था, कन्वोकेशन सेरेमनी भी समाप्त हो गई, डिग्री भी मिल गई, लेकिन उनके वाइस चांसलर साहब जो उस समय के थे, उन्होंने कहा कि अभी फाइनल इम्तिहान बाकी है, अगले एक हफ्ते तक जब तक हॉस्टल खाली नहीं हो गया। रोज वाइस चांसलर साहब यही बात दोहराते थे कि अभी फाइनल इम्तिहान बाकी है। तीनों विद्यार्थी बड़े परेशान थे कि भाई कन्वोकेशन भी हो गया, डिग्री भी मिल गई, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वाइस चांसलर साहब रोज रोज कह रहे हैं कि अभी इम्तिहान बाकी है। फिर वह दिन भी आ गया जब किताब बिस्तर सामान लेकर के शाम को वो तीनों विद्यार्थी वहां से निकल गए थे अपने गांव के लिए। गांव के पास पहुंचने के पहले अंधेरा हो रहा था, सामने रास्ते पर कांटे का ढेर पड़ा था। पहला स्टूडेंट कूद करके उस कांटे के ढेर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया, दूसरा रास्ता बदल करके आगे निकल गया, लेकिन जो तीसरा स्टूडेंट था वह अपना सामान जमीन पर रखकर कांटे के ढेर को वहां से हटाने लगा। तब जो दो उसके साथी थे, जो दो स्टूडेंट्स थे जो उस पार चले गए, उन्होंने अपने उस साथी को डांटा कि पागल हो गया है, इंजीनियर होकर के कांटा हटा रहा है। तीसरे स्टूडेंट ने जो कांटे को हटा रहा था उन दोनों से कहा कि अगर दिन होता तो शायद मैं छोड़ देता, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अंधेरा हो गया है और हमारे बाद जो लोग इस रास्ते से गुजरेंगे शायद उन्हें कांटा दिखाई नहीं पड़ेगा, उन्हें तकलीफ देगा, और अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये निश्चित रूप से गलत होगा। तभी वाइस चांसलर साहब एक झाड़ी से निकले और कहा कि बेटा फाइनल इम्तिहान में तुम पास हो गए, वह कांटे मैंने ही रखे थे, यही तुम्हारा असली कन्वोकेशन है। साथियों, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का भी होना उतना ही जरूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जो जीवन के मूल्य हैं, हमारे संस्कार हैं, कांटे हटाने की जो परंपरा है उसका भी समावेश बहुत ही आवश्यक है, और हमारी नई शिक्षा नीति इस बात पर बहुत बल दे रही है। एजुकेशन शुड नॉट बी वन साइडेड बट इट शुड बी होलिस्टिक। जिन विद्यार्थियों को आज गोल्ड मेडल मिले हैं और जिन्हें नहीं मिले हैं, दोनों शिक्षक की निगाह में बराबर है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट द रेस टू कम फर्स्ट, बट एजुकेशन इज अबाउट अचीविंग द हाइएस्ट पीक ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। चरित्र निर्माण, अच्छे इंसान के निर्माण का काम शिक्षक और विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जैसे संस्थान करते हैं, और उन्हीं मूल्यों की वजह से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। आप सबको मालूम है
कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केवल दस्तक नहीं दे रहा है, तेजी से जीवन को बदल रहा है, जिसे हम इंडस्ट्री 4.0 भी कहते हैं। उसमें तकनीकी परिवर्तन का जो स्केल है और जो स्कोप है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और उनकी और अनेक नई तकनीक, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, केवल नौकरी के अवसर नहीं बल्कि स्वरोजगार के संभावनाओं को भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा, पूर्ण शिक्षा तभी होगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हमारे विद्यार्थियों में, हमारे छात्र भाइयों और बहनों में कंपैशन और करुणा भी होगी, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। अगर यह दोनों गुण हैं तो मैं मानता हूं कि नई पीढ़ी सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकती है। और आज मैं सभी पेरेंट्स और अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों में एक शक्तिशाली व्यक्तित्व को विकसित करने में उनकी सहायता करें, क्योंकि उनके जीवन में आगे चलकर वही सबसे बड़ा सहारा हो। आज अगर आपका बच्चा या बच्ची मैनेजमेंट का गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने की बजाय वह किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहता है, तो कृपा करके उसे रोकिए मत। हो सकता है इससे ज्यादा बेहतर काम एक शिक्षक के नाते वो कर सके। कोई इंजीनियर, इंजीनियरिंग का छात्र अगर संगीत के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो मैं आग्रह करूंगा कि उसे रोकने की जरूरत नहीं है। मैं सभी शिक्षकों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि विद्यार्थियों में सामंजस्य बनाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। नई पीढ़ी को मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक करना, ये आपका ही दायित्व है। अंत में एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक लीडर के रूप में तकनीकी संस्थाओं जैसे IUST को अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के निरंतर इवेल्युएशन को भी सुनिश्चित करना आज मुझे लगता है कि तर्कसंगत लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित करना और छात्रों के लिए टॉप क्लास सुविधाएं बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। वही सांसद साहब ने कुछ बातें अभी यहां से कही है, मैं उनको भरोसा देना चाहता हूं। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि एजुकेशन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन 12% अपने कुल बजट का 12% खर्च कर रहा है। शायद देश में कोई दूसरा राज्य या कोई दूसरी इतना नहीं कर रहा। मैं कहना चाहूंगा, भरोसा देना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इसी विश्वविद्यालय नहीं, इस संघ राज्य क्षेत्र के जितने विश्वविद्यालय हैं, उनकी शिक्षा अगर नहीं हो सकी अच्छे ढंग से तो मैं समझता हूं कि समाज बदला नहीं जा सकता है। धन की कमी कभी आड़े नहीं आएगी। जो बातें आपने कही हैं मैंने नोट किया है, जल्द ही उनका समाधान करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना था, शिक्षक जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है। इसलिए नई चीजें, नए कौशल और नए ज्ञान न सिर्फ आपको सीखना है बल्कि उसे छात्रों में बांटना भी है। I congratulate the Vice Chancellor, distinguished member of Executive and Academic Council, faculty and staff on having built a great reputation for IUST as a premier science and technology university in Jammu and Kashmir and the country within a very short span of time. अंत में मैं अपने नौजवान विद्यार्थी बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा, यू हैव अ ट्रेमेंडस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। आई कॉल अपॉन ईच वन ऑफ यू टू डेडिकेट योर सेल्फ टू बिल्ड आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर एंड आत्मनिर्भर भारत, अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। वट एवर यू डिसाइड टू डू इन फ्यूचर, इट मस्ट फोकस ऑन लेइंग द फाउंडेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपुल सेंट्रिक इनोवेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। जय हिंद।